आशीष बाबू, इसीलिए मैंने कहा आज का समय बदल गया, इस 1970 का भारत नहीं है क्या कि कुछ भी बोल कहीं निकल जाओ। इसमें लोग घर तक पीछा करते भैया, मुंह छुपाना मुश्किल, कहां भागोगे क्या? सब आंकड़ा खटखट खटखट बच्चे तक ढूंढ लेते इस पे क्या। मध्य प्रदेश में जब बवाल हुआ तो कहा गया कि शिवराज सिंह ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया। 5 मिनट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्वीट कर दिया क्या कि 102 जगह बुलडोजर चला जिसमें 82 नॉन मुस्लिम है क्या। अब सब चुप हो गए, क्या बोले क्या बोले। और उन्होंने कहा लिस्ट इनक्लोज है, इसको देख लो। आशीष जी, आपको लगता है कि ऐसे कहीं कुछ गड़बड़ कर तो नहीं हो गया, किसी ने गलत आंकड़ा समझ दे दिया क्या अखिलेश जी को? देखिए, आंकड़े की बात नहीं है। हाँ। बात है एक परसेप्शन जो बनाया नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी ये चाहते हैं यादव और मुसलमान कहीं कब्जा करें, ये लिख के दे दिया जाए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा चाह रहे थे इसलिए ऐसा बोले थे क्या? तो ये तो कोई लिख के नहीं दे सकता ना किसी के लिए भी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि मुख्तार पे कार्रवाई हो रही है तो हमें परेशानी हो रही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि हमें परेशानी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप जो है प्रत्येक धर्म प्रत्येक जाति जो भी आपराधिक कृत का हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। आप हम ये नहीं कह आप सब पे कार्रवाई करें। अरे एक बात बताओ, जब मंदिर पर बुलडोजर चला कल, तब अखिलेश जी को बोलना चाहिए था नहीं? वो भी हिंदू है, बोलना चाहिए था नहीं? इसी में आपके वोट कम हो गए और स्थिति ये आ गई। मित्र, आप लोग पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाए बैठे हो रहते हो। जब जरूरत होती है तो बोलते नहीं, जब नहीं जरूरत होती है तो बोलने चले निकल आते, बोले लाओ माइक किधर है हम बोलेंगे क्या। तो जो कुछ 150 वोट तब तक कल्टीवेट होते वो और भाग जाते हैं। कल देश भर में इस विजुअल की चर्चा रही कि लखनऊ में पुराने हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला, ठीक। तब अखिलेश जी का बयान आया, बोले मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब कई लोगों ने हमें फोन किया, बोले भैया मंदिर मुसलमानों ने बनवाया था। मैंने नहीं, बताओ अभी कैसे मामला चलेगा, बताओ आशीष जी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये बयान है उसको अगर थोड़ा सा वो रिफ्रेज कर देते तो और बेहतर रहता। उसे थोड़ा सा उसको केवल धर्म हम जाति से ना जोड़ते खुद, क्योंकि कई जगह गलत कार्रवाई भी हुई उस पर। स्वयं योगी जी ने भी सारा खेल एमआई पर टिका है आपकी, बाकी रुचि का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही अभी तो वो आ रहे हैं भैया, 3-4 दिन के भीतर आ रहे हैं खान साहब रामपुर में, वो बड़ी मजलिस लगाएंगे। वो एक अलग विषय है तो वो भी एक बड़ा विषय हमारा। खैर ठीक, मैं एक बात समझना चाहता हूं असलम साहब, हिंदुस्तान में एक समस्या है। हम किसी भी कार्रवाई को वो सरकार करे, सरकार करे तो खैर सरकार का मुंह ही नोच ले, कोई सरकार हो क्या किसी पार्टी की, अदालत के आदेश से भी हो तो भी हमको बोलना वही है जो हमारे मन में है क्या? अदालत के सुन लीजिए मैं सवाल, क्योंकि अदालत के आदेश से काशी में ज्ञानवापी में कमिश्नर की कार्रवाई के लिए कहा, कमीशन की कार्रवाई के लिए आदेश हुआ और कहा इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड वीडियोग्राफी होगी क्या? नमाज खत्म हो जाने के बाद टीम गई, क्या दृश्य बना वहां, क्यों बना ऐसा दृश्य, किसके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और क्यों हो रही थी नारेबाजी, क्या अदालत के खिलाफ नारेबाजी गाली गलौज होगी? दुनिया भर में कमीशन की कार्रवाई होती है, दुनिया भर में मॉनिटरिंग होती है, दुनिया भर में वीडियोग्राफी होती है संरक्षित चीजों की, इसमें क्या समस्या थी? क्या दृश्य आज बनारस की गलियों में बना दिया गया? असलम साहब, समस्या यहां से आती है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस डिबेट में हम लोग यहां अभी अपने आर्गुमेंट या अपनी दलील रख रहे हैं,
कि बुलडोजर का एक्शन सियासत या सांप्रदायिक रिएक्शन है। जी देखिए, आपका डिबेट बहुत ही माकूल है और बहुत ही बेहतरीन है। नमाज पे भी मैं आऊंगा और मैं अपने साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं और हमारे धर्मगुरु रावत जी हैं। मुझे लगता है कि आपने कहा कि सरकार के किसी फैसले को या अदालत के किसी फैसले को आने के बाद भी जो परसेप्शन है, जो लोगों में एक अपनी ओपिनियन है, वो डिफरेंट है। मैं उसकी लोगों बात में नहीं, क्यों लोगों में नहीं ना, कॉमन मैन में नहीं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, कुछ लोगों में, मुट्ठी भर लोगों में ऐसा होता है। कॉमन मैन तो अच्छा ही है, यहाँ कॉमन मैन का बवाल कर रहा हूँ मैं, वही बात रख रहा हूँ मैं, वही बता। देखिए इसमें क्या है कि सरकार, जब सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है तो सरकार की तारीफ भी होती है, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलते हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे वो कमेंट करना है जो मैं ग्रास रूट, जो पब्लिक है, जो समाज है, मैं उसकी बात रख रहा हूं। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी उस लाइन को लेगा, उस परसेप्शन को लेगा जो उनको सूट करेगा, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन ये फैसला हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने फैसला लिया कि माइक लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, कितना लगना चाहिए और कहां से हटना चाहिए, इस फैसले को सब लोगों ने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कोई वहां ओपिनियन में, परसेप्शन में कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ। अमिताभ जी, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे डिबेट करना, आपके सामने कोई आर्गुमेंट डालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आप डेटा के साथ बात करते हैं जी। सब ने एक्सेप्ट किया उनको, सब लोग देखे होंगे मस्जिदों से, मंदिरों से लाउड स्पीकर विद इन टाइम फ्रेम में सबको हटाया गया। और जितने भी रिलीजियस बिलीव या थॉट के जो लोग थे, इंस्टीट्यूट के जो लोग थे, सब लोग आगे आकर के योगी जी का इस्तकबाल किया, उनका एहतराम किया और उनके इस फैसले को सर झुका करके तस्लीम किया। मैं अब आता हूं बुलडोजर पे। आपने डेटा दिया, बहुत अच्छा डेटा, कि 70% जो कार्रवाई हुई है वो गैर यादव और गैर मुसलमान पे हुई है। यही है डेटा जो मास तक पहुंचना चाहिए। जो कॉमन लोग हैं, जो ग्रास रूट के लोग हैं, अब ये पॉलिटिकल पार्टी का वो उसमें यूज है या कैसे यूज है, मुसलमानों में डर का जो माहौल है, यादवों में जो डर का माहौल है कि योगी सरकार मुसलमान यादव के खिलाफ काम करेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार में जो बैठी लीडिंग पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के परसेप्शन जो ग्रास रूट पे कॉमन लोगों पे बन रहा है उसको वाश करना है, ठीक है। अलीम साहब आएंगे आपके पास, अलीम साहब आएंगे, दोबारा आएंगे। मैं रावत जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, परसेप्शन रिसेप्शन क्या है, मसला क्या है, चिड़ मालूम कहां पैदा होती है? अमिताभ अग्निहोत्री के किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाए, मैं सबसे पहले यह कहने आऊंगा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, योगी सरकार मेरा मुंह बंद करना चाहती है। यह नहीं कहूंगा कि मैंने यह गलत बनाया था। क्या अभिव्यक्ति की आजादी से इसका क्या लेने देना? इंडिविजुअल आदमी ने गलत किया, गिरा दिया, बात खत्म हो गई, पूरे कौम के ठेकेदार हमें क्या? मुलायम सिंह जी के एक रिश्तेदार के यहां बांदा में अवैध निर्माण था, गिरा दिया, तो क्या पूरे देश के यादवों के खिलाफ बुलडोजर चल गया? नहीं, ऐसा नहीं मानो भाई ना। लखनऊ में एक मंदिर के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, तो क्या पूरे हिंदू धर्म पर बुलडोजर चल गया? अरे भाई, संयोग से वो मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार थे, नहीं भी हो सकते थे, गलत बनाया, गिरा दिया, बात खत्म हुई, जहरी की मौज लो। या तो फिर एक बार सब लोग राजनीतिक दल मिलकर तय कर लो कि भाई इन जातियों को, इन धर्मों को, इन पार्टियों के नेताओं के नाते रिश्तेदार सब एग्जेम्प्टेड होंगे, ये कुछ भी करें, ऐसे ही संविधान बना लो। रावत जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक बार मिलकर बना लो कि भाई सारे पंडित पुरोहित एग्जेम्प्टेड होंगे, सारे मौलाना एग्जेम्प्टेड होंगे, सारे ग्रंथी एग्जेम्प्टेड होंगे और सारे नेता और उनके नाथ समधी और समधिन सब एग्जेम्प्टेड होंगे, चाहे जो करें, पार्लियामेंट में ले आओ। यही क्या बोले, सारे कानून केवल गरीब आदमी पे लागू करेंगे हम लोग। राव जी जी, देखिए इसके पीछे अमिताभ जी एक कारण होता है,
जो अखिलेश जी की स्टेटमेंट आई है, उनको ये लगता है कि जो एमबाई फैक्टर है उनका उनकी पार्टी का आधार है, अगर उनको भी वो ना बचा पाए तो पूरा की पूरा आधार खिसक जाएगा। अब वो किसी भी हद तक खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं। जब सरेआम अगर मीडिया को इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही है तो निश्चित तौर पर उस जाति का प्रभाव उस नेता के साथ जुड़ा होता है। आप देखिए बहुत सारे और छुटभैया नेता हैं, वो सरेआम दूसरे लोगों को गाली देते, बहुत सारे मुसलमान जो धर्मगुरु हैं सरेआम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। एआईएम के नेताओं को देख लीजिए, सरेआम किस तरह की वाहियात बातें करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो समाज है, हमारी जो जाति है, हमारे धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं। अगर इस समय पर वो किसी दूसरी जाति के लिए स्टेटमेंट देते हैं, उनको पता है उनकी वोट नहीं है, उनकी वोट मुसलमान वोटों को बचाना है, इसलिए उन्होंने एम फैक्टर को लेकर चले। यादव उनका वोट बैंक है, इसलिए यादव वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन दूसरे वोट बैंक उनके साथ नहीं है। जबकि 70% उन लोगों के मकान टूटे या उनके कब्जे टूटे, उन पे नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है अगर मैं बोलूंगा तो कोई फायदा ही नहीं उसका। ये रावत साहब तो एक मसला और खड़ा है, एक मसला और खड़ा है। मैं टेंडेंसी की बात भी कर रहा हूं, केवल बुलडोजर नहीं, टेंडेंसी की बात भी है। आज बनारस में ज्ञान बापी के आस पास के इलाकों में किस बात के लिए नारेबाजी हो रही भाई? क्या भाजपा का फैसला है? नहीं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि यहां घुस के वीडियोग्राफी करेंगे जबरन? नहीं। क्या वहां के सांसद, विधायकों ने ऐसा किया? नहीं। अदालत में मामला चला, दोनों पक्ष रहे, महीनों बहस हुई, उसके बाद अदालत ने निर्णय सुनाया, फिर वहां सड़क पर क्यों है लोग? आप अदालत की भी नहीं मानेंगे क्या सब लोग? अभी बहस जो हो रही है, अभी बहस हो रही है कि अदालत अगर ये बोल देगी कि यहां पर मंदिर की मूर्तियां हैं या वीडियोग्राफी में ये सब चीजें आ जाएंगी तो मस्जिद गिरा दी जाएगी, इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर के वहां के लोगों को भड़काया गया। जब वहां जनरली जुम्मे की नमाज के दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं अमिताभ जी, लेकिन आज भीड़ इकट्ठी की गई एक मेंटल प्रेशर कायम करने के लिए, कि दबाव बनाया जाए उस टीम के ऊपर, और वहां पर तर्क दिए गए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद के अंदर भी आपने देखी है, बाबरी मस्जिद में तो मुसलमान ही पूरा की पूरा सर्वे का इंचार्ज था, उन्होंने जो था वो दिया। लेकिन आरोप लगाना या कोर्ट के ऊपर कोर्ट की अवहेलना करना ये उचित नहीं है।